हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पर हम बात करते हैं फैशन, लाइफ स्टाइल और वुमन हेल्थ केयर के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओमेगा 3 जो है वो आप वेजिटेरियन सोर्स से भी कंज्यूम कर सकते हैं, उतने ही रिच और हाई लेवल हाई क्वांटिटी में जितना एक फ़िश ऑयल से आपको मिलता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो ओमेगा 3 है वो आपकी प्रेगनेंसी की चांस को बढ़ाने में और आफ्टर डिलीवरी ये आपकी कैसे मदद करता है और बिफ़ोर डिलीवरी आपकी कैसे मदद करता है और इसको किस टाइप से कंज्यूम कर सकती हैं वुमेंस और यूज़ करती हूँ। और ये है कार्बामाइड फूड और इसमें किसी भी टाइप का कोई भी हार्मफुल इन्ग्रीडियंट नहीं है। मैंने ये पहले ही देखा है और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। एटलीस्ट एक्चुअली मेरी प्रेगनेंसी से पहले भी मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड लेती थी बट मुझे वेजिटेरियन सोर्स का पता नहीं था जिसकी वजह से मैं फ़िश ऑयल ही लेती थी। तो उसके भी काफ़ी अच्छे मुझे बेनिफिट मिले हैं बट जब से मुझे वेजिटेरियन सोर्स का पता चला है तब से मैं इसी को लेती हूँ और ये मुझे 4 मंथ हो चुके हैं इसको लेते हुए। तो आज हम वुमेंस के लिए बात करेंगे कि ओमेगा 3 उनको कैसे बेनिफिट दे सकता है और कैसे उनको बेनिफिट मिल सकता है, प्रेगनेंसी में उनको बेनिफिट मिल सकता है, पीरियड्स में उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है पीरियड्स का, तो मैं पीरियड्स से स्टार्ट करती हूँ। ओमेगा 3 जो है आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है, आपकी जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको बहुत अच्छा कर देती है जिसकी वजह से जो वुमेन बॉडी है उसमें जो पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक डिले जो होते हैं पीरियड, तो उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल करता है क्योंकि जो बॉडी है उसको थोड़ा वार्म भी करता है जब ये कैप्सूल्स लिए जाते हैं। तो उससे भी पीरियड्स टाइम पे आना स्टार्ट हो जाते हैं या थोड़ा सा उसकी जो साइकिल है वो बैलेंस हो जाती है। तो नॉर्मली ऐसा नहीं है कि 28 का बोला है तो 28 डेज का ही साइकिल होता है, बॉडी टू बॉडी अलग अलग साइकिल्स भी हो सकते हैं। किसी का साइकिल 30 डेज का भी हो सकता है, 35 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, 45 तक भी हो सकता है। अगर उससे भी डिले है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना होता है, अदरवाइज़ अलग अलग बॉडी में अलग अलग साइकिल्स होते हैं। बट मेनली जो हम 28 डेज को काउंट करते हैं, 20 डेज का 30, 32, 35 तक बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहता है। तो ये प्रेगनेंसी गेन करने में भी आपकी हेल्प करता है। थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं पीरियड्स को लेके, तो उस चीज़ को जब वो सॉर्ट आउट करता है तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और दूसरी अब मैं पॉइंट आने वाली हूँ कि पीरियड्स के टाइम पे क्या हम टैबलेट्स ले सकते हैं, तो हाँ पीरियड्स के टाइम पे टैबलेट्स ली जाती हैं और इसका कोई हार्मफुल कोई रिजल्ट नहीं है। बट हाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि गर्मी को थोड़ी आपकी बॉडी को गर्माहट देती है, गर्मी रहती है आपकी बॉडी में इस टैबलेट को लेने से। तो अगर ऐसा आपको फील होता है कि पीरियड्स आपको हैवी हो रहे हैं, हैवी फ्लो हो रहा है, इन टैबलेट्स को ले रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं, तो नॉर्मली आपको हैवी फ्लो नहीं होता है या इतना फ्लो नहीं होता है, तो आपको पीरियड्स टाइम पे इनको लेना बंद कर सकते हैं और बाकी टाइम आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो बेनिफिट तो मिलना ही है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो प्रेग्नेंट है वुमेन के लिए मैं कहूँगी कि नॉर्मली जो उनके लिए टैबलेट्स होती हैं वो होती हैं कैल्शियम की और आयरन की, तो ओमेगा 3 बहुत सारे मतलब डॉक्टर्स तो सजेस्ट नहीं करते हैं बट आप पूछ सकते हैं कि वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी सबकी प्रेगनेंसी बहुत डिफरेंट होती हैं, बहुत सौ की बहुत स्मूथली चली जाती है, बहुत स्मूथली प्रेगनेंसी रहती है, बट बहुत सौ की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, स्टार्टिंग्स हैं या बीच में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो उस वजह से आप पूछ सकते हैं कि हम ये ले सकते हैं या नहीं। बट वो डॉक्टर का गायनोलॉजिस्ट हैं, उनका मेन पॉइंट रहता है कि उनका अगर वो देती हैं तो ठीक है, अगर वो मना करते हैं तो नहीं लेना होता है। मेरी बात करें तो मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रही है, मुझे फुल टाइम बेड रेस्ट पे भी रहना पड़ा था, तो मैंने मेरी जो डॉक्टर है उनसे पूछा था तो उनका कहना ये था कि जैसे अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया आपको कि प्रेगनेंसी टाइम पर मेरा जो ब्लड था वो बहुत ज़्यादा थिक हो गया था जिसकी वजह से बच्चे तक ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा था ठीक से, जो थिनर के इंजेक्शन है वो मुझे लग रहे थे।
तो जब मैंने ओमेगा थ्री के लिए मैम से बात किया, तो मैम ने वही बोला कि आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वार्म है, और मतलब जो एक प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि आपकी बॉडी को ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, उस टाइप से आपकी बॉडी चलनी चाहिए। और नॉर्मली प्रेगनेंसी में टेम्परेचर हाई हो ही जाता है, थोड़ा सा गर्म रहती है बॉडी, तो उस टाइम पे मैम ने बोला कि आप ये सप्लीमेंट्स ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने उस टाइम पे सप्लीमेंट्स नहीं लिए थे। बहुत सारी प्रेगनेंसी हैं जिनमें हो सकता है डॉक्टर अलाउ कर दे, तो वो एक डिफरेंट केस है, वो तो गायनोलॉजिस्ट के बिना आप प्रीफर कर ही नहीं सकते हैं प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में एंड आफ्टर जो डिलीवरी है। आफ्टर डिलीवरी मैंने एटलीस्ट 6 मंथ के बाद ओमेगा थ्री स्टार्ट किए थे, और कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं वो तो स्टार्ट डिलीवरी के जस्ट बाद ही स्टार्ट हो जाती है, 10-15 दिन बाद से आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो कैल्शियम वगैरह तो आपको लेना ही रहता है। बट हाँ, ओमेगा थ्री मैंने 6 मंथ तक नहीं लिए थे, डिलीवरी के बाद 6 मंथ तक मैंने ओमेगा थ्री नहीं लिए, उसके बाद मैंने स्टार्ट किए थे, तो इसका मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला। एक्चुअली मेरी जो डिलीवरी हुई उसके बाद से मेरे घुटनों में दर्द रह गया था, तो वो जा नहीं रहा था। थोड़ा सा भी अगर मैं ज़्यादा चल लेती थी या थोड़ा सा भी काम कर लेती थी तो मेरे घुटनों में बहुत पेन होता था, जॉइंट में बहुत पेन होता था, तो वो पेन मेरा इसी से गया है। ये जो टैबलेट्स मैंने लिए हैं, आज मुझे मैं कितना भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ या कितना भी मैं चल लेती हूँ तो मुझे वो अब प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नो डाउट डिलीवरी के बाद बेबी को संभालना रहता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं, तो उसमें मेंटली आपको थोड़ा डिप्रेस हो जाते हो, आप नहीं होना चाहते, अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहते हो बट फिर भी डिप्रेस हो जाते हो, आपका सिर दर्द रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा सिर दर्द रहा था, तो वो जो प्रॉब्लम है उसको भी ओमेगा थ्री सॉर्ट आउट करता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर की एडवाइस से या आप नॉर्मली भी आप लेके देख सकते हैं, अगर आपको सूट होता है तो आपको लेना चाहिए। अभी भी मेरा मेरी डिलीवरी को 14 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद भी मैं आज कैल्शियम और ये जो ओमेगा थ्री है ये दोनों सप्लीमेंट्स लेती हूँ, और D3 भी मैं अभी ले रही हूँ सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे इतना धूप नहीं ले पाते हैं, तो वो D3 के कैप्सूल्स भी मैं प्रीफर करती हूँ, जो कि वीक में एक लेना होता है, तो वो बहुत नॉर्मल है, तो इससे क्या है बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप थकोगे नहीं, तो एक अलग ही फील आती है काम करने की, आपका मन लगता है हाँ चलो ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। मैं पूरे दिन में बिल्कुल नहीं सोती हूँ, मुझे लेटने का या रेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं लगती है, मैं ओनली नाइट में अपनी स्लीप कंप्लीट करती हूँ, तो भी बहुत अच्छा फील होता है, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार बहुत थके, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थका देते हैं, उसके बाद भी मैं एक्टिव रहती हूँ, अपना काम पूरा करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो ये सप्लीमेंट्स ज़रूर लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट होते हैं। सप्लीमेंट लेती हूँ इसका मैंने आपको फुल डिस्क्रिप्शन आपको दिया था, इसको कैसे लेना है उसके बारे में बताया था, उसके बारे में जानना है तो इससे पहले वाली जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है बॉडी के लिए। और गाइस, आपको अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है और इससे आपको रियल में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।